साइबर सिटी गुरुग्राम में बनी गगनचुंबी इमारतें जहां इस शहर की सुंदरता को और बढ़ाते हैं, तो वहीं इन्हीं खूबसूरत इमारतों के पास सड़कों पर जगह जगह पड़ा निर्माणाधीन मकानों का मलबा शहर की सुंदरता पर सवाल उठाता है। हालत यह है कि जगह जगह सड़क किनारे और पार्कों में अवैध तरीके से मलबा फेंका जा रहा है, जिसके चलते निर्माणाधीन इमारतों का ये मलबा शहर के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। शहर में मलबे के निर्माण निवारण के लिए भी नगर निगम ने कुछ निजी कंपनियों को टेंडर दिए थे, जिसके कर्मचारी अवैध तरीके से मलबा फेंकने वाले ट्रैक्टर चालकों के चालान काटते थे और शहर को इस समस्या से कुछ निवारण मिलता था, लेकिन नगर निगम ने प्रोसेस पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब ये मलबा यहीं पर पड़ा रहता है। शहर को मलबा घर बनने से रोका जा सके, इसके लिए बकायदा नगर निगम ने यूं तो कागजों में कई करोड़ों के टेंडर भी दिए हैं कि ताकि शहर का जो मलबा है वो शहर में गिरने की बजाय बकायदा इसके लिए प्लांट हो, और लेकिन उसके बावजूद हालात क्या है वो आपको दिखाते हैं हम। जिसके लिए बकायदा नगर निगम के द्वारा करोड़ों के टेंडर दिए जाते हैं, उसके बावजूद ये मलबा अरावली के लिए संकट बन रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम फरीदाबाद हाईवे पर, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आप देखेंगे कि अरावली की श्रृंखला, लेकिन इसके बावजूद शहर में DLF के बिल्कुल साथ में किस तरीके से यहाँ मलबा ला करके छोड़ दिया जाता है। हालांकि कागजों में ये मलबा बाकायदा इसके लिए प्लांट लगाए गए हैं जहां पर इसकी टाइलें बनाई जाती हैं, इंटरलॉक टाइलें, लेकिन बावजूद इसके वो केवल कागजों तक ही सीमित जता रह जाता है और सच्चाई कुछ हो रहा है। सच्चाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हालात न केवल इस अरावली की पहाड़ियों में बल्कि शहर में जगह जगह इसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, जहां ये CND यानी कि जो मलबा होता है घरों का, बिल्डिंगों का, ये ला करके इस तरीके से या तो यहां या फिर सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता है। हालांकि यही मलबा मानसून में भी एक खतरा बना था, जब बरसात का पानी जगह जगह जल भरा हुआ था, इसके कारण कई जगहों पर बांध भी खत्म हुए, शहर के अंदर नालों में भी समस्या आई। ये एक बड़ी चुनौती है, आप देखेंगे कि सारी ये टाइलें यहाँ पर जो बड़े पत्थर हैं, जो मलबे के हैं, ये बड़ी बिल्डिंगों के हैं, ये तमाम चीज़ें यूं तो कागजों में बकायदा इसके लिए नगर निगम ने टेंडर दिए हैं, लेकिन वास्तविकता में टेंडर लेने वाली कंपनी कर क्या रही है ये इन तस्वीरों में नजर आता है। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहाँ शहर को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों के टेंडर दिए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें उससे कई अलग नजर आती हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।